नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते। पूर्व महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख मिलिंद देवड़ा ने रविवार को कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से पहले देवड़ा के अचानक इस्तीफे के फैसले से सभी हैरान रह गए। इस बीच कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी चौंकने वाला बयान दिया है। मिलिंद देवड़ा के कांग्रेस से इस्तीफे पर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने समाचार एजेंसी एनआई से कहा कि कांग्रेस में कुछ ऐसे लोगों का कब्जा हो गया है जो न तो सच सुनना चाहते हैं, न सनातन राम की बात सुनना चाहते है। उल्लेखनीय है कि 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, अधीर रंजन चौधरी समेत कई नेताओं को आमंत्रित किया गया है। इन नेताओं ने कार्यक्रम में शामिल नहीं होने का फैसला किया है। पार्टी का कहना है कि यह धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक आयोजन है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने फैसले पर नाराजगी जताते हुए कहा था कि राम मंदिर और भगवान राम सबके हैं। राम मंदिर को भाजपा का समझ लेना दुर्भाग्यपूर्ण है। राम मंदिर को बीजेपी का मानना गलत है। उन्होंने कहा था कि मुझे पूरा भरोसा है कि कांग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी नहीं है, कांग्रेस राम विरोधी पार्टी नहीं है। ये कुछ लोग हैं जिन्होंने ये फैसला कराने में अहम भूमिका निभाई है। ये गंभीर विषय है। आज मेरा दिल टूट गया है। उन्होंने कहा था कि इस फैसले से करोड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं का दिल टूटा है, उन कार्यकर्ताओं का, उन नेताओं का जिनकी भगवान राम में आस्था है। कांग्रेस वो पार्टी है जिसके नेता राजीव गांधी ने ही इस राम मंदिर का शिलान्यास, इस मंदिर के ताले खुलवाने का काम किया था। उन्होंने कहा कि जो श्री राम और सच की बात, जमीनी हकीकत को बताने की कोशिश करेगा उसे कांग्रेस छोड़नी पड़ रही है। भगवान राम के मंदिर के निमंत्रण को जिस तरह ठुकराने का काम किया गया है, मुझे लगता है कि उनका प्रकोप शुरू हो गया। देखिए, कांग्रेस में कुछ ऐसे लोगों का कब्जा हो गया है जी, जो ना तो सच सुनना चाहते हैं और ना सनातन की बात सुनना चाहते हैं, ना राम की बात सुनना चाहते हैं। जो राम की बात करेगा, जो सच की बात करेगा, जो जमीनी हकीकत को बताने की कोशिश करेगा, उसको कांग्रेस छोड़नी पड़ रही है धीरे धीरे। मिलिंद देवड़ा का जाना बहुत दुखद और अफसोसजनक है, और भगवान राम के मंदिर के निमंत्रण को जिस तरह से ठुकराने का काम किया है जी, तो मुझे लगता है कि भगवान राम का प्रकोप प्रारंभ हो गया है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि कुछ लोगों की गलतियों की सजा पूरी कांग्रेस पार्टी